नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं कृतिका। अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, शहर के विकास में हर संभव प्रयास किए जाएंगे पूरे, ये कहना है नवागत सीएमओ ज्योति सिंह का। जानकारी अनुसार वार्ड क्रमांक 7 और 8 विकास के काफी कार्यों से पिछड़ा देखा जा रहा है। पूर्व जिला कलेक्टर के कार्यकाल में मंजूर हुई रोड का काम काफी सालों से रुका पड़ा था। वोट की राजनीतिकरण की वजह से अवैध अतिक्रमण खाली नहीं किए गए थे, लेकिन नवागत सीएमओ ज्योति सिंह के द्वारा शहर के विकास कार्यों में रुचि लेने के बाद एक विकास कार्य की झड़ी लग रही है। बस स्टैंड के सामने हेवतपुरा गांधी नगर की रोड पिछले 40 सालों से नहीं बनी थी। बस्ती की जल निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं था। बरसात के दिनों से लेकर साल के 12 महीनों तक मुख्य रोड पर जल भराव की समस्या हमेशा रहती थी, जो काफी बार मीडिया के माध्यम से दिखाई गई। तब कहीं जाकर पूर्व कलेक्टर इलिया राजा टी के द्वारा गिट्टी डलवाकर कार्य को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन नगर पालिका के अंदर पार्षदों के विवाद के कारण काम ठप्प हो गया था। लेकिन अब नव विधायक संजीव सिंह संजू के द्वारा नगर पालिका सीएमओ ज्योति सिंह को रुके पड़े कार्यों की समीक्षा कर पूरे करने के लिए कहा गया है, जिसका कार्य तेज गति से चालू किया गया है। आपको बता दें, सड़क के मुख्य रास्ते पर अवैध बस्ती बनाकर कब्जा हो गया था। 80 फुट की रोड, उसके बाद 3x3 फुट का नाला गांधी नगर से लेकर हेवतपुरा गादरगौ घाट ग्राम तक यह रोड जाती है। प्रत्येक दिन 10,000 से अधिक लोगों का आवागमन होता रहता है। आदिवासी बस्तियों के झोपड़ियों को तोड़कर, मकान को तोड़कर अतिक्रमण मुक्ति की कार्यवाही की गई है। प्राइम न्यूज 24 के लिए इमरान अली खान की रिपोर्ट।